तो यार मैं वरुण का रेज्यूमे भी यहाँ डाल दूंगा, आराम से पॉज करके देख लेना कि इसने क्या ऐसा डाला है कि हर जगह शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, हर जगह से कॉल आ रहे हैं, सीधा फुल टाइम के लिए कॉल आ रहे हैं। तो वहां से मैं सीखता रहता था, प्लस वर्क फोर्सेस पे ट्राई करता था, वही लगता था कॉलेज में एंटर हुई थी कि नहीं हो पाया। लगभग 8 to 10 लोगों को अमेजोन में इंटर्नशिप मिली है, लाइक इट टुक मी अराउंड 100 days, लगभग 100 दिन तक इसका पूरा प्रोसेस था जब फर्स्ट लिंक आया था, उसके बाद जो उनका ईमेल आता कंग्रेचुलेटरी ईमेल, बट मुझे उसमें रेफरल मिल नहीं पाती, मैं लेट हो गया था और जॉब अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई थी। अदरवाइज 6 में से 5 कोर्सेज जो थे वो सारे स्टैंडर्ड थे, बट द सेकंड वन वाज लो लेवल डिजाइन, और लेकिन शॉर्टलिस्टिंग ने ये चीज फायदा दी कि मेरे पास एक्सपीरियंस था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हमारे साथ है वरुण सैनी, ठीक है। उसने 4 companies ऑफ कैंपस फुल टाइम के लिए निकाली एंड इंटर्नशिप के लिए भी काफी सारी कंपनीज निकाली है। ही इज फ्रॉम अ Tier-3 कॉलेज एंड कॉलेज में कोडिंग कल्चर वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं, इन सब कंपनीज का प्रोसेस क्या था। ये सारी कंपनीज हमारी है Amazon, BNY, तुम्हारी अर्बन कंपनी एंड Meesho, एंड काफी ज्यादा पे करती है। Amazon का CTC भर के 45 lakhs हो गया है, तो बहुत ज्यादा पैसा। अब उससे डिस्कस करेंगे कैसे उसने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, कैसे कंपनीज को अप्रोच किया, पढ़ाई कैसे करी, इन सब कंपनीज का प्रोसेस वगैरह कैसा था। उससे पहले एक वरुण का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो हेलो, मेरा नाम वरुण सैनी है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। मैंने अपनी कोडिंग फर्स्ट ईयर से शुरू कर दी थी, एंड उसके बाद लाइक मुझे कुछ इंटर्नशिप्स मिली जैसे कि स्केलर में ओके क्रेडिट एंड प्रतिलिपि, और अभी मैं प्रतिलिपि में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ फुल टाइम ऑफर्स हैं अमेजॉन, BNY, अर्बन कंपनी और Meesho से। सो यस, बढ़िया। ठीक है वरुण, मेरे को ये बताओ कि आपने प्रोग्रामिंग वाली जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, मतलब कि आप बोल रहे हो ना फर्स्ट ईयर से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो क्या क्या किया था फर्स्ट ईयर में? हाँ भैया, तो भैया एक्चुअली जब कॉलेज में आए थे तो मुझे भी लगा था कि मतलब लाइक नॉर्मल सा पैकेज लगेगा, तो बट उसके बाद जब सीनियर्स वगैरह का सुना तो लगा कि नहीं ट्राई तो करना है एक बार ऑफ कैंपस वगैरह भी, तो कोडिंग शुरू करी। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में मैंने कॉम्पिटेटिव कोडिंग से स्टार्ट किया था, फिर क्या कहते हैं पहले 1.5 साल लगभग कॉम्पिटेटिव कोडिंग की जब लॉकडाउन चल रहा था, बट उसके बाद फिर रियलाइज हुआ कि जैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह पढ़े कि DSA का काफी ज्यादा वेटेज है, फिर DSA पढ़नी स्टार्ट की, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से DSA थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी लगा क्योंकि पहले कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की थी। उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, 2-3 projects बनाए थे, फिर उसके बाद मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी, और फिर उस इंटर्नशिप के बेसिस पे फिर आगे और अप्लाई करता गया, तो इस तरह से। ओके। तो यार वरुण, आप बोल रहे हो मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी, तो मतलब एक्जैक्टली क्या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की? कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देते थे, बट डेटा स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पता थे, तो क्या साथ साथ सीख रहे थे? हाँ भैया, एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही बेसिक से किया था, लाइक मुझे 11th 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी, तो इनिशियली कॉलेज में हमारा क्लब है, कोडिंग क्लब है फ्रैक्टल से, तो उन्होंने हमें साथ में पढ़ाना स्टार्ट किया था क्लासेस में, तो वहां से मैं सीखता रहता था, प्लस कोड फोर्सेस पे ट्राई करता था, लाइक कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसको सॉल्यूशन वगैरह देख के, तो ऐसे धीरे धीरे शुरू किया था। भैया DSA से मेरा मतलब था कि लाइक लिंक लिस्ट वगैरह, जैसे कि लिंक लिस्ट का CP में यूज नहीं होता है, तो बस वो पार्ट मैंने पहले स्किप कर दिया था CP करते टाइम, बट फिर जब DSA शुरू करा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तब वो लिंक लिस्ट वगैरह ये सब बाद में पढ़ गया। ओके, मतलब तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के साथ साथ सीख रहे थे, मतलब ट्रीज वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, बट कुछ चीजें जो बस लाइक कॉम्पिटेटिव में बिल्कुल यूज नहीं होती वो स्किप कर रखी थी, एंड वो DSA पढ़ते पढ़ते बाद में सीख ली, राइट? हाँ ठीक है। एंड क्या रिसोर्सेज वगैरह क्या फॉलो किए थे जब तुम सीख रहे थे सब? जैसे भैया CP में तो ये था कि मैं कोड फोर्सेस ही फॉलो करता था, लाइक बस कॉन्टेस्ट देता था, और उसके बाद जो भी ट्यूटोरियल वगैरह आते थे, ट्यूटोरियल्स आते थे उनके वो देखता था, प्लस जब क्या कहते हैं DSA की मुझे तैयारी करनी थी तो मैंने यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने स्टार्ट करे, वहां से देखा कि कैसे कैसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बाद मुझे क्या कहते हैं गीक्स फॉर गीक्स के, जनरली मैं ये करता था कि टॉप 25 क्वेश्चंस या टॉप 50 क्वेश्चंस किसी ट्री वगैरह के डाले और फिर गीक्स फॉर गीक्स पे वो प्रैक्टिस करे, एक बार वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कवर हो गए उसके बाद फिर लीड कोड पे जाकर उसके रैंडम क्वेश्चंस लगाए, इस तरह से किया था। Got it. काफी सही यार, मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, एंड मतलब इसने ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर्स करे ही नहीं थे, जैसे वरुण ने क्लियर कर दिया कि डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह करे थे, बट मेन जैसे लिंक लिस्ट बहुत कम ही या फिर ना के बराबर ही यूज होता है कॉम्पिटेटिव में, तो उनको स्किप कर रखा था, बाकी सारी चीजें पढ़ते पढ़ते ही कॉम्पिटेटिव करी थी, तो काफी सही अप्रोच थी। अब जैसे वरुण ने मेरे को बताया था कि इनके कॉलेज में ना पहले कोडिंग कल्चर वगैरह कुछ नहीं था, एंड जनरली बस TCS, विप्रो, सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी ऑन कैंपस, और कोई प्रोडक्ट बेस आती भी नहीं थी, 3 lakh 2.5 lakh ऐसे ही पैकेजेस लगते थे, बट इनके किसी सीनियर ने कोडिंग कल्चर स्टार्ट किया था कॉलेज में, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे वरुण? यार कोड स्टूडियो के साथ मिलकर एक कोडिंग कॉन्टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, 27th मार्च को 8 PM होने वाला है कॉन्टेस्ट, एंड इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन फॉर ऑल है, एंड टॉप लाइक जो परफॉर्मर्स होंगे उनको कोडिंग निंजास की तरफ से कुछ
गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, ठीक है, ये सरप्राइज है, क्या मिल रहा होगा तुम्हें बाद में पता चलेगा। एंड मैं अपनी तरफ से भी कुछ देने वाला हूँ 50-60 लोगों को। अब वो टॉप बॉटम में कहीं पे भी हो सकता है, रैंडमली हम 60 लोगों को चूज करेंगे, 70 लोगों को चूज करेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे एंड उनको कुछ गिव अवे करने वाले हैं। इसके अलावा यार कोड स्टूडियो अगर तुम्हें नहीं पता है तो यार काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तुम्हें कंपनी वाइज लिस्ट मिल जाती है, तुम्हें सब लोगों के लिस्ट सॉल्व मिल जाती है, हर लैंग्वेज में सॉल्यूशन मिल जाते हैं तुम्हें, चाहे C++ हो, जावा हो, चाहे पाइथन हो, सब लैंग्वेजेस में उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाते हैं, चाहे तुम्हें लो लेवल डिजाइन पढ़ना हो, तुम्हें चाहे OS पढ़ना हो, चाहे DBMS पढ़ना हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ना हो तुम्हें यहाँ पे गाइडेड पाथ्स मिल जाएंगे, उनके वेब डेवलपमेंट पढ़ना हो, चाहे फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी पढ़ना हो, ठीक है। इसके अलावा यार तुम्हें इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी मिल जाते हैं, उसका क्या फायदा है कि तुम उसको जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, फुल तुम्हें फील आएगी कि तुम उस कंपनी का इंटरव्यू ही दे रहे हो। तो काफी सारी चीजें हैं, काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, डू चेक इट आउट एंड जाके कॉन्टेस्ट के लिए पक्का रजिस्टर कर देना। कल कॉन्टेस्ट होने वाला है 8 बजे, तो तुम्हारे पास एक दिन से ज्यादा है, तो डू पार्टिसिपेट, काफी तुम्हें मजा आने वाला है एंड कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स वगैरह भी तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ भैया, एक्चुअली हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में सबको वही लगता था कॉलेज में एंटर हुई थी कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑन कैंपस कंपनीज इतनी नहीं थी, बट फिर क्या कहते हैं हमारे सीनियर शिवांग बंसल सर, तो उनका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद से सब लोगों को लगा एक बिलीव टाइप जनरेट हुआ कि हाँ हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, फिर उनसे इंटरेक्शन वगैरह हुआ, तब फिर फ्रैक्टल स्टार्ट हुआ था हमारा। फ्रैक्टल एक कोडिंग क्लब था हमारे कॉलेज का, तो उसमें हमारे सीनियर्स हमें कोडिंग सिखाते थे, प्लस उन्होंने जो एक बहुत अच्छी चीज करी थी जो मुझे लगी कि पढ़ाने के साथ साथ कॉन्टेस्ट भी हेल्प करते थे और साथ में उसमें कुछ गुडीज या कुछ भी गिफ्ट वगैरह भी रहते थे, उससे मतलब अलग मोटिवेशन मिलता था, तो फिर धीरे धीरे इस तरह से कल्चर स्प्रेड हुआ कॉलेज में। काफी सही यार, काफी सही। तो अगर तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसे कुछ कल्चर वगैरह नहीं है तो यू कैन स्टार्ट, मतलब अगर तुम्हें कहीं ऑफर मिला, तुमने कई चीज सीखी है, तो बाकी आने वाले जो लाइक लोग होंगे उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। जैसे राज भैया है, उनके कॉलेज में उन्होंने कोडिंग कल्चर स्टार्ट किया था, वो बताते हैं काफी बारी, एंड अब उनके कॉलेज से 15-15, 20-20 लोग अमेज़न में जा रहे हैं, तो वो काफी अमेजिंग चीज है। सिमिलरली मेरे को वरुण ने बताया था, उसके कॉलेज में भी इस साल काफी लोगों को अमेज़न हुआ था। कितनों का हुआ था? लगभग एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद, बट लगभग 8-10 लोगों को अमेज़न में इंटर्नशिप मिली है, प्लस जीटा में भी अराउंड 10-12 का इंटर्नशिप मिली है। काफी सही। सो फ्रॉम नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन कैंपस टू लाइक गेटिंग इतने अच्छे पैकेज, इतने अच्छे कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस, तो काफी अमेजिंग चीज है। ठीक है वरुण, अब एक प्रॉब्लम होती है सबको कि अप्लाई कैसे करना होता है ऑफ कैंपस जनरली, क्योंकि Tier-3 कॉलेजेस में ऑन कैंपस तो नहीं मिलती अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कैंपस जाते हैं तो मतलब कई बार रेज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे काफी सारी कंपनीज में रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हुए, तुम्हारे पास 4 तो लाइक फुल टाइम ऑफर्स हैं और उसके अलावा तुमने 4 जगह पे इंटर्नशिप वगैरह भी किया और तुम्हारे पास इंटर्नशिप ऑफर्स भी थे? हाँ, तो भैया मुझे लगता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इज द मेन पार्ट, बिकॉज कंपेरेटिवली इंटरव्यूज आसान होते हैं, बट जो मेन चीज होती है कि रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते कई बार, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वही बात है कि तरीका स्टैंडर्ड ही है कि हम लोगों को पहले लिंक्डइन पर जाना होता है, वहां पर फिर रेफरल लेना होता है और फिर रेफरल के थ्रू अप्लाई करना होता है। तरीका एकदम स्टैंडर्ड है, बट वही चीज है कि कई बार क्या होता है कि हमने रेफरल मांगा किसी से, बट फिर वो उतने टाइम में नहीं मिल पाया और जॉब अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई। तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए कि मतलब कई सारे लोगों से आपको कनेक्शन मेंटेन करके चलना चाहिए कि जिससे किसी न किसी से आपको रेफरल मिल जाए, राइट? तो एक तरीका तो वो हो सकता है। और उसके अलावा मैंने एक चीज और ट्राई की थी, जब मुझे कॉल्स वगैरह नहीं आती थी मैंने कोल्ड मेलिंग ट्राई की थी, बट आई डोंट थिंक सो कि उससे ज्यादा कुछ फायदा हुआ, बट यस एक दो जगह से मुझे कोल्ड मेलिंग का भी रिप्लाई आया था, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो वाला है। सही सही। और मैंने इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है लाइक तुम कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई वगैरह कर सकते हो, टेम्पलेट्स वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, तो वो यहीं आई बटन में आ रही होगी, वो जाकर तुम देख सकते हो एंड उससे थोड़ी तुम्हारी ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो यार नेक्स्ट वरुण थोड़ा बताएगा कि इन सब कंपनीज का प्रोसेस वगैरह कैसा था अमेज़न का, पहले अमेज़न से स्टार्ट करते हैं। तो भैया अमेज़न का प्रोसेस काफी लंबा था, लाइक इट टुक मी अराउंड 100 डेज, लगभग 100 दिन तक इसका पूरा प्रोसेस था, जब फर्स्ट लिंक आया था उसके बाद जो उनका ईमेल आता कांग्रेचुलेटरी ईमेल, तो हुआ क्या था कि अभी अमेज़न का वो इंटर्न के लिए आया था, ऑफ कैंपस था, तो उसमें मैंने भी अप्लाई किया था, तो उसका टेस्ट वगैरह हुआ, कॉलेज से काफी लोगों ने दिया था उसका टेस्ट वगैरह हुआ, बट देन काफी लोगों को इंटर्न के लिए इंटरव्यूज आ गए और मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया था, तो फिर 1-1.5 महीना मैंने वेट किया, फिर मैंने मेल किया था उनको कि क्या है, मतलब मैंने फॉलो अप किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे फुल टाइम के लिए कंसिडर करा जा रहा है, जबकि वो टेस्ट इंटर्न का था, तो मुझे फुल टाइम के लिए कंसिडर करा जा रहा है। अमेजिंग। फिर क्या कहते हैं उसके बाद उन्होंने 1-2 महीने का टाइम किया कि ठीक है उसके बाद आपको वो इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे, उन्होंने पहले ही मेल में मेंशन कर दिया था कि 3 राउंड्स होंगे और तीनों TSA बेस्ड होंगे, कोई भी कल्चरल फिटमेंट राउंड या इस तरह का कोई राउंड नहीं होगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रेफरेंस मांगी थी डेट की, फिर 1-1 घंटे के 3 राउंड्स हुए थे और तीनों में 2-2 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड TSA के थे और प्लस उनके जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो सब तीनों इंटरव्यूज का फॉर्मेट सेम था।
ओके गॉट इट. हाँ मतलब अमेज़न का जनरली यही होता है, एंड कई बार बार रेजर राउंड भी होता है कई जगह पे, शायद वरुण का नहीं हुआ होगा, बट एक बार रेजर राउंड भी होता है जिसमें वो हायरिंग मैनेजर के साथ राउंड होता है, वो तुम्हें ग्रिल करते हैं काफी ज्यादा, तुमसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, फास्ट फास्ट पूछेंगे, कुछ डेप्थ में पूछ लेंगे, बस वो देखना चाहते हैं तुम ब्रेकिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा. तो शायद वरुण का नहीं हुआ बिकॉज उसका टेस्ट काफी अच्छा गया होगा, तो एक ये चीज है. इसके बाद यार BNY का प्रोसेस कैसा था? BNY में एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी आई थी काफी दिन पहले, तो मैंने उसके रेफर मांगा था, बट मुझे उसमें रेफर मिल नहीं पाती क्योंकि मैं लेट हो गया था और जॉब अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई थी. तो फिर मैं लेकिन उनके टच में था कॉन्स्टेंटली, तो उनसे बोलता रहता था, उनको याद दिलाता रहता था कि सर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम रेफर कर दीजिएगा. तो उन्होंने एक दिन रैंडमली मुझे मैसेज खुद से कर दिया था कि वरुण ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करना हो तो ये फॉर्म फिल कर देना. तो फिर वहाँ वो फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर वही नॉर्मल दो राउंड हुए थे टेक्निकल, उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड था. इस टाइम से नहीं था. सही 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 सही. एंड मतलब इन सब में मोस्टली डीएससी के क्वेश्चंस ही थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे दोनों, मतलब Amazon BNY में? आई थिंक वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही थे, अगर किसी ने लीड कोड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किया ना वो मीडियम लेवल. और Amazon में आई रिमेंबर कि Amazon में एक क्वेश्चन था जो कि स्टैंडर्ड नहीं था, अदरवाइज 6 में से 5 क्वेश्चंस जो थे वो सारे स्टैंडर्ड थे. सही सही ओके. एंड नेक्स्ट अर्बन कंपनी का कैसा था? अर्बन कंपनी में एक्चुअली सिर्फ दो राउंड्स हुए थे, तो लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस था दैट वाज कि उनका एक राउंड तो डीएसए बेस्ड था, बट द सेकंड वन वाज लो लेवल डिजाइन. तो आई वाज मतलब मैं उसमें काफी वीक था, तो फिर मुझे लो लेवल डिजाइन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती, लाइक उन्होंने दो तीन दिन पहले बता दिया था कि हाँ लो लेवल डिजाइन तो होने वाला है, बट फॉर्चुनेटली उसमें एक इजी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, वो मेरा प्रैक्टिस किया हुआ था तो वो भी हो गया था. तो लो लेवल डिजाइन के लिए तुमने मतलब क्या रिसोर्सेज वगैरह गीक्स फॉर गीक्स वगैरह से ही पढ़ाई करी थी? हाँ एक्चुअली टाइम बहुत कम था, तो मैंने क्या करा था कि सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नेट पर सर्च किए थे कि लो लेवल डिजाइन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, लाइक पार्किंग लॉट, चेस एंड ऑल. और बस उनका एक बार कोड ऊपर ऊपर से देख लिया था क्योंकि इंटर्नशिप की भी थी, तो थोड़ा आइडिया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह इन सबका, तो एक बार ऊपर से देख लिया था. Got it. काफी सही. And finally, एक कंपनी का और ऑफर है, उसका नाम है Meesho. Meesho मतलब काफी अमेजिंग स्टार्टअप है, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बन चुका है, उसका थोड़ा बताओगे क्या एक्सपीरियंस? हाँ तो भैया Meesho का ऐसा हुआ था कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली 2021 बैच के लिए थी, और मतलब मैंने नोटिस नहीं किया था और मैंने अप्लाई कर दिया था बिना ये चीज देखी कि वो हम लोग के थी ही नहीं, बट फॉर्चुनेटली उसमें रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया था, और उसके बाद फिर उसमें तीन राउंड्स थे, दो डीएसए राउंड्स और एक मैनेजरियल राउंड, और क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड ही थे. ठीक है. बढ़िया. तो यार मैं वरुण का रेज्यूमे भी यहाँ डाल दूंगा, आराम से पॉज करके देख लेना कि इसने क्या ऐसा डाला है कि हर जगह शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, हर जगह से कॉल आ रहे हैं, सीधा फुल टाइम के लिए कॉल आ रहे हैं, इंटर्नशिप छोड़ रखी है, 2021 को ले रहे हैं तो इसको भी ले रहे हैं. तो एक बार रेज्यूमे यहाँ पे आ रहा होगा, इसको आराम से देख लेना, पढ़ लेना कैसे लिखा हुआ है, कैसे बनाते हैं, काफी ज्यादा तुम्हें इससे आइडिया मिल जाएगा. एंड थैंक्स टू वरुण, उसने अलाउ कर दिया भाई दिखाने के लिए, लोग जनरली मना कर देते हैं रेज्यूमे के लिए, तो ये चीज. तो अब लास्ट क्वेश्चन है वरुण कि यार इंटर्नशिप्स भी तुमने काफी ज्यादा करी हैं और लाइक काफी जगह अप्लाई किया होगा, तो इंटर्नशिप के लिए कैसे करते थे, लाइक कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती थी इंटर्नशिप्स के लिए? हाँ तो भैया एक्चुअली स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हुई थी, कोई इंटर्नशिप नहीं मिलती थी, और मैंने जब सीनियर से डिस्कस करा तो पता चला कि वो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, बस प्रोजेक्ट्स थे. तो उसके लिए फिर एक क्या तरीका लिया मैंने कि इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप लेना कंपेरेटिवली इजी होता है, तो फिर मैंने इंटर्नशाला से एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर ली थी 2 months की, तो उससे फिर मेरा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी ऐड हो गया था रिज्यूमे में. फिर पहले जब वो ऐड हो गया फिर मैंने दोबारा से अप्लाई करना शुरू करा, और कंपेरेटिवली ज्यादा जगह मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटर्नशिप में, और बाकी प्रोसेस सेम ही रहता था सारे इंटरव्यूज वगैरह, और लेकिन शॉर्टलिस्टिंग ने ये चीज फायदा दी कि मेरे पास एक्सपीरियंस था. तो स्टैंड आउट करने के लिए एक अलग से वो मिल गया वरुण को कि यार मैंने इंटर्नशिप पहले से करी है, तो मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है थोड़ा कि मेरे को ये सारी चीजें करनी आती हैं. तो मतलब तुम कोई कम पे वाली इंटर्नशिप कर सकते हो, इंटर्नशाला पे बहुत ज्यादा पे नहीं मिलेगा दैट्स फॉर श्योर, 5,000-10,000 टाइप्स की इंटर्नशिप्स होती हैं, बट उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तुम उसको ऐड कर पाओगे अपने रेज्यूमे में. एंड स्टार्टअप्स में करना यह फायदा है कि तुम्हें सारा काम दे देते हैं वो, तो तुम सीख काफी ज्यादा चीजें पाओगे. तो यार थैंक यू सो मच वरुण फॉर टेकिंग आउट टाइम भाई, काफी मजा आया. वरुण ने रिसेंटली मेरे को मेल किया था एंड ही टोल्ड मी कि भैया मेरी ये सारी इंटर्नशिप्स लग गई हैं, थैंक यू फॉर लाइक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. एंड फिर मैंने उससे पूछा कि यार चलो तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. तो थैंक यू सो मच यार. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. ठीक है इतना ही था आज वाले वीडियो में. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना. वरुण का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम उससे कनेक्ट कर सकते हो, एंड तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह तो ही विल बी हैप्पी टू आंसर आई थिंक. एंड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.